हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ्स में एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस, जिसमें हमने 1, 2, 3 क्वेश्चन अपने प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, उसे देखते हैं सबसे पहले, और हमें क्या कैलकुलेट करना है उसे देखते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस। इसका कहने का मतलब है कि मंथली जो हॉस्टल चार्ज है वो फिक्स्ड है चार्ज, और क्या कर रहा है उसमें जो वन डे का जो मैस का चार्ज है वो भी इंक्लूड हम करके दे रहे हैं। ओके, व्हेन अ स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट से मेरे पास ए है, ओके, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, इस ए ने 20 डेज के लिए फूड लिया है, ओके, तो इसका फूड का पर डे का चार्ज इसने किया होगा। सी हैज़ टू पे ₹1000, तो टोटल पे जो इसने किया है वो क्या पे किया है, 1000 रुपीज़ किया है। अब इस 1000 में स्टूडेंट्स ये बात आप ध्यान रखिए कि इसके अंदर फिक्स चार्ज भी है और इसके अंदर 20 डेज के फूड का चार्ज भी है। तो फिक्स चार्ज तो फिक्स होगा, उसमें पर डे से कोई लेना देना है नहीं, उसमें 20 डेज का पर डे के हिसाब से आपका मैच का चार्ज भी होगा। वेयर इज़ अ स्टूडेंट बी, और बी ने क्या किया, वैसा ही एक बी है, इसने 26 डेज के लिए ये इसने फूड लिया है, और इसने जो पेमेंट किया हुआ है वो टोटल पेमेंट ये क्या है, इतना रुपीज़। अब क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हमें इसमें फिक्स चार्ज कैलकुलेट करना है और कॉस्ट कैलकुलेट करनी है फूड का पर डे के हिसाब से। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें कैलकुलेट होती है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिक्स चार्ज कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक फिक्स चार्ज लेते हैं। ओके, नाउ हम लेते हैं, मान लिया जो फिक्स चार्ज सपोज वो एक्स है, इसको लेते हैं हम लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स, एंड पर डे का जो फूड का चार्ज है तो हम इसे यहाँ पे लिखते हैं पर डे फूड चार्ज इक्वल टू वाई रुपीज है। ओके, इस तरीके से ले लिया। अब जब फर्स्ट केस हम इसमें देखते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो जो फर्स्ट केस हमारे पास आता है उसको समझिए क्या करना है, कि ए ने 20 डेज फूड लिया है, देन उसने उसमें फिक्स्ड चार्ज को इंक्लूड करते हुए 1000 रुपीज़ पे किया है। इट मींस उसने फिक्स्ड चार्ज तो दिया है, ₹100 तो दिया है, और पर डे का ₹y है, तो 20 डेज का कितना हो जाएगा, 20y, और कितना मनी इसने पे किया है, 1000 रुपीज़ पे किया है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, बहुत ही ईजिली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अगर स्टार्टिंग आपके समझ में आ गया तो इक्वेशन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसी तरीके से जो बी है, जो सेकेंड केस हमारे पास बनता है बी को लेके, तो बी में क्या बोला है इसने, कि उसने फिक्स चार्ज दिया एंड 26 डेज का उसने फूड का पे किया है, और हम टोटल पेमेंट किया है 1180। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई की कैलकुलेट करने के लिए कोई भी एक मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर अभी आपको बता रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उसी मेथड से हम आपको इसको करके दिखाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं, देन वाई एंड देन वन, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एंड वन इक्वल टू। ओके, एक्स इक्वल टू जब कैलकुलेट करेंगे तो एक्स वाली वैल्यू को हमको लेना नहीं है, हमें क्या लेना पड़ेगा, 20 इधर और 1000 इधर, एंड यहाँ पर 26, और यहाँ पर आ जाएगा 1180। देखिए ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू वाई के साथ। अब वाई के साथ इसको हटाएंगे तो ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू लेंगे, यहाँ लेनी पड़ेगी 1 एंड 1। वैसे जो कांस्टेंट वाली वैल्यू को हटाएंगे तो कांस्टेंट वाली वैल्यू को हटाने के बाद क्या हो जाएगी, हमारे पास 1 तो है, यहाँ पर आ जाएगा 20 एंड 26। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे इधर से इधर, तो इसे मैं सीधा मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ। जब 20 × 1180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आने वाली है, इसको एक्स अपॉन लिख लेते हैं, 23600। ओके, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, बट हमको याद रखना है उससे पहले क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, तो 26 × 1000 ओके इक्वल टू वाई अपॉन, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1000 × 1 इज 1000, फिर माइनस का साइन,
एंड 1110 इज 1180। नाउ वन अपॉन के लिए, अच्छा ये एक चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे हम लोग, जब अगर हम जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते थे तो इसको यहाँ लेके जाते थे, माइनस लेके जाते थे, बट अगर जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को लिए बिना अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर 1 अपॉन ना लिख के हम माइनस 1 अपॉन लिखते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर माइनस 1 लेके चलेंगे, और अगर आप इसको यहाँ इधर लेके आ जाते हैं, लेफ्ट साइड पर लेके आ जाते हैं इक्वल के, देन आपको यहाँ पर 1 अपॉन लिखना पड़ेगा, और अगर इसको यहीं पर रहने देते हैं राइट साइड पर तो माइनस 1 अपॉन लिखना पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 26 माइनस 20, ये मल्टीप्लाई इधर, ओके इस तरीके से हमने ये मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखते हैं इसके आंसर हमारे पास क्या क्या आते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये मेरे पास आता है एक्स अपॉन, इसको जब मैं माइनस करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा माइनस 2400 इक्वल टू वाई अपॉन 1000 में से अगर इसे माइनस करूँगा तो ये मेरे पास आएगा माइनस 180 एंड माइनस 1 अपॉन 26 माइनस 66। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको हमें किससे करना पड़ेगा, इसे कंपेयर करना पड़ेगा, तो ये x अपॉन माइनस 2400 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6 एंड y वाली वैल्यू को इससे कंपेयर कर लेंगे एंड y अपॉन माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6। तो यहाँ से x और y की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको एक बार कर लेते हैं, इसको माइनस करके देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू, इसे कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2400 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 6। इट मीन्स मेरे पास माइनस माइनस यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, और 2400 को जब 6 से मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 400। तो ये तो मेरे पास आ गया फिक्स्ड चार्ज, ओके। और ये यहाँ y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या जाएगा, y इक्वल टू माइनस 180 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 6, मीन्स ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 30। इट मीन्स हमारे पास उसका जो फिक्स्ड चार्ज है हॉस्टल का वो 400 रुपीज़ है, और पर डे जो मैच का जो चार्ज है फूड का वो 30 रुपीज़ है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा इजीली। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का जो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें देखिए क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1 अपॉन 3 व्हेन 1। तो फ्रैक्शन वाले में सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेना होगा, डिनोमिनेटर लेना होगा। तो हम लेते हैं लेट न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर ले लेते हैं इक्वल टू वाई। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई, ओके। फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो गया, एक्स अपॉन वाई। तो आप यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1 अपॉन 3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। हम क्या करें, न्यूमरेटर से 1 हमने माइनस कर लेना है, तो सीधी सी बात है केस फर्स्ट क्या हो जाएगी, बहुत इजीली तरीके से कर लेंगे। न्यूमरेटर में 1 माइनस करेंगे मीन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई ऐसे रहेगा, और हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन गया, इट बिकम्स 1 अपॉन 3, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, और ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ओके। आई होप फर्स्ट इक्वेशन आपकी समझ में आ गई होगी। सेकेंड इक्वेशन में भी इसी तरीके से हम करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन में कहता है एंड इट बिकम्स 1 अपॉन 4। तो केस 2 लिख लेते हैं यहाँ पर, केस सेकेंड। आप इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी भी मेथड से करते हैं जो आपको कर सकते हैं, जो आप चाहे आप एलिमिनेशन मेथड हो चाहे कोई मेथड हो, आप उस मेथड से आपको जो इजी लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड हो वो आप उससे कर सकते हैं, बट हमारी वाली एक्सरसाइज अभी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चल रही है तो हम उसी मेथड से इसे कर रहे हैं, ठीक है। तो केस 2 में इट बिकम्स 1 अपॉन 4 व्हेन 8 इज एडेड। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करना है, मींस एक्स न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है, और डिनोमिनेटर वाई जो था उसमें 8 को ऐड करना है, तो ये इट बिकम्स क्या, 1 अपॉन 4। तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जाएगा 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 एंड ये हो जाएगा 4x माइनस वाई एंड माइनस 8 इक्वल टू 0। देन इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे केस 1 एंड 2, ओके। तो x अपॉन यहाँ पर लिखते हैं, x अपॉन यहाँ पर लिखते हैं, y अपॉन यहाँ पर लिखते हैं 1 अपॉन। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इन इक्वेशंस में फर्स्ट और सेकंड में जो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है तो यहाँ माइनस 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 ही लिखेंगे अब, ठीक है। अगर मैं इसे यहीं रखता हूँ, इसको यहाँ 3 लिखता हूँ, इसको प्लस 8 यहाँ लेके चलता हूँ, तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस 1 लिखना पड़ता,
ये चीज़ को आप समझ के चलिएगा, ठीक है। अब एक्स अपॉन में क्या करेंगे, एक्स अपॉन को करने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स वाली वैल्यू को छोड़ दीजिए तो जाएगा माइनस वन माइनस थ्री, यहाँ भी माइनस वन माइनस एट, ओके। देन माइनस थ्री माइनस एट वाई वाले में आ गया, वाई वाले को लेना है तो माइनस थ्री माइनस एट, यहाँ पर क्या हो जाएगा वन एंड फोर, यहाँ पर क्या हो जाएगा वन, सॉरी यहाँ पर ये वैल्यू होगी थ्री एंड फोर, सॉरी थ्री एंड फोर। एंड वन के लिए कांस्टेंट वैल्यू लेके चलनी है, कांस्टेंट वैल्यू को बंद कर लीजिए थोड़ी देर, तो यहाँ थ्री एंड फोर आ गया तो आ जाएगा माइनस वन एंड माइनस वन, ओके। नाउ यहाँ से एक्स को, यहाँ एक्स वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स वाली वैल्यू को सीधा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस एट इज एट, देन माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस वन इज माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होने वाला है थ्री, ओके। देन वाई इक्वल टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई फोर, ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया, देन माइनस थ्री मल्टीप्लाई फोर इज माइनस ट्वेल्व, माइनस एट माइनस थ्री इज माइनस ट्वेंटी फोर, और माइनस साइन पहले से होता है तो ये हो जाएगा प्लस ट्वेंटी फोर। एंड वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन इज थ्री वन माइनस थ्री, देन माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस वन इज माइनस फोर, तो ये मेरे पास आ गया एक्स अपॉन फाइव, और आ गया वाई अपॉन ट्वेल्व, एंड वन अपॉन माइनस माइनस इज प्लस, फोर माइनस वन इज थ्री इज वन, ये आ गया। तो कंपेयर कर लीजिए, इसको यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, देन इसको यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, तो कंपेयर करके हम देखेंगे x अपॉन फाइव इक्वल टू वन अपॉन वन, एंड y के लिए y अपॉन ट्वेल्व इक्वल टू वन अपॉन वन, तो ये वैल्यू सीधी से हमारे पास आ गई है x इक्वल टू फाइव एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू वन, ओके। ये हमारे पास आंसर आ गया। इट मीन्स हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन को देख लीजिए, फ्रैक्शन x अपॉन वाई था तो जाएगा फाइव अपॉन वन, वाई की वैल्यू, सॉरी वाई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी ट्वेल्व, ट्वेल्व वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी ट्वेल्व आ जाएगी, तो फाइव अपॉन ट्वेल्व हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड आंसर फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा। आप देखते हैं इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपको गिवन है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, यस के एक मार्क्स में 40 मार्क्स आते हैं किसी टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, जब उसको क्या मिलता है कोई राइट आंसर देने के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स उसको क्या होता है माइनस होता है कट जाता है, ओके। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर सही के लिए उसको हम दे दें 4 मार्क्स, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट के लिए 4 में जो हमारे पास था 2 मार्क्स उसमें डिडक्ट कर दें काट दें, देन उसके बाद देखते हैं कि उसके वो नंबर मिलते हैं 40 मार्क्स, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कैलकुलेट करना है हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन दी टेस्ट, आपको क्वेश्चन इसमें कैलकुलेट, आपको आंसर कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर, कितने उसमें क्वेश्चन आपके गिवन हैं, कितने क्वेश्चन उस पेपर में दिए हैं। तो क्या करना है, लेट हम इसमें सीधा लिख देंगे, लेट राइट आंसर के लिए जो हम नंबर दे रहे हैं, लेट राइट आंसर मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको एक्स लेके चलते हैं, और रॉन्ग आंसर के लिए अगर वो रॉन्ग आंसर देता है तो उसके लिए मानते हैं कि वाई मार्क्स हमारा क्या होता है माइनस हुआ था उसमें से, देन और टोटल मार्क्स, तो टोटल अगर क्वेश्चन हम पूछें तो टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन इज एक्स प्लस वाई, भाई दोनों के सम के इक्वल क्या होंगे, उसका टोटल मार्क्स होगा, ओके। नाउ आप देखते हैं कि कहता क्या है, केस क्या है, फर्स्ट केस क्या है, इसमें केस क्या बनता है, जब 40 मार्क्स आए हैं इट मीन्स क्या है 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, तो ईच आंसर के लिए हमें 3 है तो कितने मार्क्स मिलेंगे उसको, 3x मिलेंगे। 1 मार्क्स हमारा उसमें रॉन्ग हुआ है तो माइनस वाई हो जाएगा, भाई जो सही मार्क्स हैं उनमें से रॉन्ग को माइनस करेंगे तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे, तो टोटल मार्क्स हैं 40, इक्वेशन नंबर 1 वेरी इजी, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेकंड वाले को लेते हैं तो सेकंड वाले में ये कहता है 4 मार्क्स देने हैं राइट के लिए, यहाँ पर केस 2 लिख लीजिए आप, और डिटेक्ट होते हैं 2 तो 2y इक्वल टू मिलते हैं 50, ये बहुत इजी हो गया। तो इस तरीके से हमने सेकंड भी इसका सेकंड का इसमें सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं इसे करना है विद द हेल्प ऑफ
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो एक्स इक्वल टू देन वाई इक्वल टू देन माइनस वन। देखिए अब यहाँ पर मैं इसको इधर लेके नहीं आ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं माइनस वन अपॉन लिखूँगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप अगर यहाँ ले आते तो माइनस वन नहीं, आप उसको वन लेके ही कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाली वैल्यू को लिखेंगे माइनस वन फोर्टी माइनस टू फिफ्टी, ओके। यहाँ पर फिफ्टी एंड फोर्टी तो आ गया है, अब हमारे पास वाई के लिए क्या बचा, ये वाई के ये लेना नहीं है, तो ये क्या बचेगा, थ्री एंड फोर, थ्री एंड फोर, ठीक है। कांस्टेंट वाली वैल्यू को छोड़ दीजिए, तो थ्री एंड फोर के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वन एंड माइनस टू, इस तरीके से लेना है। तो मैं आपको ये सारी मेथड इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ, तो आप पुरानी प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू आएगी एक्स अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा, माइनस वन मल्टीप्लाई फिफ्टी इज माइनस फिफ्टी, देन माइनस फोर्टी मल्टीप्लाई माइनस टू इज माइनस एट्टी, ओके। देन वाई अपॉन फोर्टी मल्टीप्लाई फोर इज वन सिक्सटी, माइनस फिफ्टी मल्टीप्लाई थ्री इज वन फिफ्टी, माइनस वन अपॉन माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे, थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू इज माइनस सिक्स, माइनस ये होगा माइनस फोर। इसे सॉल्व आउट करके देखते हैं, एक्स अपॉन माइनस फिफ्टी माइनस माइनस इज पॉजिटिव एट्टी, देन वाई अपॉन माइनस वन हंड्रेड सिक्सटी माइनस वन हंड्रेड फिफ्टी, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी टेन, एंड माइनस वन अपॉन माइनस सिक्स माइनस माइनस इज पॉजिटिव फोर, देन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एट्टी प्लस फिफ्टी थर्टी, एंड वाई इक्वल टू वाई अपॉन टेन एंड माइनस वन अपॉन माइनस टू, ओके। माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ कंपेयर कर लीजिए और यहाँ की इसकी वैल्यू यहाँ कंपेयर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन थर्टी इक्वल टू वन अपॉन टू, एंड वाई की वैल्यू के लिए वाई अपॉन टेन इक्वल टू वन अपॉन टू। तो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो हो जाएगा टू एक्स इक्वल टू थर्टी, देन एक्स इक्वल टू थर्टी पॉइंट टू फिफ्टीन, एंड वाई अपॉन टेन इक्वल टू वन अपॉन टू, देन वाई इक्वल टू टू वाई इक्वल टू टेन, वाई इक्वल टू टेन अपॉन टू इक्वल टू फाइव। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है, एक्स इक्वल टू फिफ्टीन एंड वाई इक्वल टू फाइव, यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उनके पास जो टोटल जो सही मार्क्स के लिए जो दिए हैं वो हैं फिफ्टीन, एंड जो रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स हैं वो फाइव हैं। देन अब हमको इसमें कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, तो क्वेश्चन में क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई अभी हमने देखा था, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में लिया था, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इट मीन्स फिफ्टीन प्लस फाइव इक्वल टू ट्वेंटी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपके समझ में ये ईजिली आ गया होगा, ठीक है। आप देखते हैं इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। सो स्टूडेंट्स, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें देखिए क्या क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, देखिए ए एंड बी के बीच में ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार हमारी ए से स्टार्ट होती है, एंड अनदर कार अनदर फ्रॉम बी, बी से स्टार्ट होती है, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर दोनों यहाँ से स्टार्ट होती हैं। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, देखिए अगर ए ये कह रहा है कि ए यहाँ से चलना शुरू हुई इधर को, और बी से भी कार हमारी इधर को चलना शुरू हुई है सेम टाइम पे, एट डिफरेंट स्पीड्स, इनकी डिफरेंस लेकिन इनकी स्पीड जो है वो अलग अलग है, दे मीट इन फाइव आवर्स, ये क्या होता है, पाँच घंटे के बाद दोनों कार है क्या होती हैं, एक जगह मिल जाती हैं, इट मीन्स ये ए वाली ज़्यादा स्पीड से हमारी बी की ओर को आ रही होगी, ठीक है। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर एक तरफ को आएँ, देन दे मीट इन वन आवर्स, वट आर स्पीड ऑफ द टू कार्स, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। तो कोई नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे से किया जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कार ए की एंड कार जो दोनों कार हैं उनकी हमें क्या लेनी पड़ेगी, स्पीड यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो हम स्पीड लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं फर्स्ट कार स्पीड इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आर, और सेकंड कार की स्पीड लेके चलते हैं
वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हम लेके चल रहे हैं। अब इसमें केस फर्स्ट क्या कहता है, अब एक चीज़ में ये फॉर्मूला भी आपका यूज होने वाला है, इसको भी देखेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हम यहाँ पर जो कार देखिए, ये दोनों कार जब एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं, तो ये आफ्टर 5 आवर्स मिल रही है, मीन्स एक पॉइंट ऐसा आएगा इस पॉइंट सी पे, ए और बी यहीं पे मिल जाएंगे। कब मिल रहा है? आफ्टर 5 आवर्स। तो 5 आवर्स के अंदर इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी, उन दोनों को हम लेके चलते हैं, ठीक है। जो ए कार है हम इसमें लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार। आराम से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है, इन 5 आवर्स। देखो 5 आवर्स में इस कार ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, हम वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू हमने बोला था स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ पर चल रहे हैं, स्पीड हमने ली है एक्स और टाइम है 5, तो ये हो जाएगा 5x, स्पीड एक्स एंड टाइम इज 5। तो आप तो जो ये होगी, जो ए से जो कार चली होगी, इसने कहीं डिस्टेंस यहाँ पर सी तक पहुँचने में कितना टाइम लिया, इसने कितना डिस्टेंस कवर करी है, 5x करी है, ओके। ऐसा ही हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार इन 5 आवर्स, तो वो ये भी हो जाएगा 5 आवर्स, और उसकी स्पीड कितनी हो भाई, इस डिस्टेंस के अंदर इसने जो है डिस्टेंस कवर करी है, कितनी डिस्टेंस कवर करी है, ओके। आफ्टर 5 आवर्स ये जो है इतना डिस्टेंस करके यहाँ पहुँचा है, ये इतना डिस्टेंस पूरा करके यहाँ कंप्लीट पहुँचा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज़ मिलेगी हमें कि हम यहाँ पर लिखते हैं जो ए सी माइनस बी सी है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, समझिए। ए सी मीन्स यहाँ से इसका यहाँ जाना और बी सी यहाँ से इसका जाना, ये किसके इक्वल होगा, इस पूरी डिस्टेंस में से अगर इस ए सी वाली डिस्टेंस में से मैं इस बी सी को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगी, ए बी मिल जाएगी, ए बी लिख ली मैंने, ठीक है। अब ए सी मेरे पास क्या था, ए सी अभी मैंने निकाली हुई है, ए से सी, ए से सी कितनी डिस्टेंस कवर करी है 5x, माइनस बी से सी कितनी डिस्टेंस कवर करी है 5y, दिस इक्वल टू ए बी की डिस्टेंस आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन है 100 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 5 अगर मेरे पास कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 20। तो ये स्टूडेंट्स पहली इक्वेशन मेरे पास आ गई है, ठीक है। अब स्टूडेंट सेकेंड वाले केस में देखिए, ये कहना चाह रहा है कि अब ए कार ने भी इधर को चलना शुरू किया और बी कार ने भी इधर को चलना शुरू किया, और मिले कहाँ पर है, आफ्टर 1 आवर यहाँ पर मिले पॉइंट सी पे। तो यहाँ पर हमें फिर वही करना पड़ेगा, हम देखते हैं कि ये ए ने जो यहाँ फर्स्ट कार थी इसने आफ्टर 1 आवर्स कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट कार डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो वही हमारे पास 1 मल्टीप्लाई x जाएगा x, ठीक है, क्योंकि 1 हमारे पास क्या है, टाइम है 1 आवर, और x हमारे पास क्या है, उसकी स्पीड है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम से हम इसका निकाल लेंगे स्पीड, केस डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, ये क्या हो जाएगी y। अब देखिए ये यहाँ पर आफ्टर 1 आवर यहाँ पहुँचा है, ये आफ्टर 1 आवर यहाँ पहुँचा है, तो इसके लिए मैं लिखना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास है कि ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, समझिए। ए सी मीन्स ये यहाँ, इसका यहाँ से यहाँ जाना, इसका यहाँ से जाना, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो कहाँ हो जाएगी डिस्टेंस टोटल, ए बी मिल जाएगी मुझे डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए सी हमारे पास आ गया स्टूडेंट एक्स, बी सी हमारे पास आ गया वाई, एंड ए बी हमारे पास पहले से क्या है 100 गिवन है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, बस इक्वेशन जहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली, तो अब हमारे पास को सॉल्व करने में कोई भी टाइम लगने वाला नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यूज करते हैं, एक बार इक्वेशन 2 को भी दिखा लेते हैं फर्स्ट को, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखना पड़ेगा, एक्स अपॉन लिखना पड़ेगा, फिर वाई अपॉन, अब देख लीजिए इक्वल के उधर रखा है तो माइनस 1 लिख के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्स अपॉन यहाँ पर देखेंगे तो एक्स और एक्स की वैल्यू को अगर हम ओपन कर लें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस वन एंड ट्वेंटी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 100, ओके।
यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ये 20 और 100 तो मेरे पास यहाँ पर पहले से है, उसका यहाँ पर आ जाएगा 1 1, और इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 1 इन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 100 माइनस 20 y, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए y अपॉन 20 माइनस 100, ये मल्टीप्लाई, एंड 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस माइनस पॉजिटिव 1, ये आ गया मेरे पास, ये इसको सॉल्व आउट करने के बाद। ठीक है, अब इसमें लेके चलते हैं, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। x अपॉन वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स क्या, x अपॉन वैल्यू हो जाएगी माइनस 120 एंड y अपॉन माइनस 80 एंड यहाँ पर हो जाएगा -1/2, तो इसको इक्वल कर लीजिए इसके साथ, इसको इक्वल कर लीजिए इसके साथ, तो ये जाएगा x अपॉन -120 इक्वल टू -1/2 एंड y अपॉन -80 इक्वल टू -1/2, तो ये माइनस माइनस को कैंसिल आउट हो जाएगा एंड x इक्वल टू मेरे पास आ गया है 120/2 मीन्स 60 किलोमीटर पर आर, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y इक्वल टू 80 एंड y इक्वल टू 80/240 आ गया मेरे पास। x की जो वैल्यू आ गई है 60 किलोमीटर पर आर एंड जो सेकंड कार की जो स्पीड आ गई है वो आ गई है 40 किलोमीटर पर आर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके समझ में शायद ये आ गया होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, उसे भी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देते हैं बट क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। देखिए कैसे क्या आता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स, किसी रेक्टेंगल का जो एरिया है वो रिड्यूस होता है 9 स्क्वायर यूनिट्स, कब, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5, उसकी लेंथ को हम 5 में रिड्यूस कर दें एंड उसकी ब्रेथ को इंक्रीज कर दें बाई 3। ठीक है, ब्रेथ को हमने इंक्रीज कर दिया बाई 3 से, तो ये फर्स्ट केस हो गया। तो इसमें हमको क्या लेना पड़ेगा, देखो लास्ट में क्वेश्चन वही है, डायमेंशन कैलकुलेट करना है, डायमेंशन मीन्स आपको इस रेक्टेंगल के लेंथ कैलकुलेट करना है, ब्रेथ कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इन क्वेश्चन में हम करते हैं, हम उसकी लेंथ को एक्स ले लेते हैं एंड उसकी ब्रेथ को वाई ले लेते हैं। जब एक्स और वाई इसकी लेंथ और ब्रेथ होंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब कहता है कि जो इसका स्क्वायर है, उसका जो रेक्टेंगल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स मीन्स जो एक्स वाई है वो रिड्यूस होता है, मीन्स माइनस होता है, कम हो जाता है, हम क्या करते हैं, जब उसके लेंथ को जो x है इसे क्या करते हैं, माइनस 5 जो है रिड्यूस कर देते हैं, मीन्स x माइनस 5 कर दिया x से, सीधी सी बात है, एंड उसके हमने जो ब्रेथ है उसको हमने 3 इंक्रीज कर दिया है, इक्वल टू कितना पहुंच जाता है, 9 हो जाता है, इतना रिड्यूस वो करा है, दोनों को रिड्यूस करके हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ सीधी सी बात है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एक इक्वेशन बन जाती है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स वाई 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 9, ये एक्स वाई से एक्स वाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे बच जाएगा 3x, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस से, माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 इक्वल टू 9, और इक्वेशन मेरे पास यहाँ बन गई है 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट पहली इक्वेशन तो हमने इजीली बना ली है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या बनाते हैं, इक्वेशन सेकंड में आकर देखते हैं, तो सेकंड इक्वेशन देखिए कैसे बनाते हैं, कंडीशन पढ़नी है और इक्वेशन इजीली हमने बनाना है। तो सेकंड उसमें कहता है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई थ्री यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीज बाई 67, तो देन हमारे पास क्या होता है, हमने देखिए लेंथ को 3 से इंक्रीज कर लिया, ब्रेथ को भी हमने 2 से इंक्रीज कर लिया, देन जो उसका ये था जो एरिया था ये इंक्रीज हो गया बाई 67, सीधी सी बात है कि उसकी लेंथ को हमने इंक्रीज किया, उसकी ब्रेथ को भी इंक्रीज किया, तो जो टोटल जो उसका एरिया आ रहा था वो क्या हो गया, 67 से क्या हो गया, 67 ज़्यादा हो गया है। ठीक है, उसमें हमने 67 ऐड कर दिया, तो इसे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई
प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा टू एक्स थ्री वाई माइनस 61 इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर टू, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, बस अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को दोनों को उसी मेथड से दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स इसे करके देख लेते हैं। 3x, ये x वाली वैल्यू को छोड़ दीजिए, तो x वाली वैल्यू को जो छोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस फाइव और इधर आ जाएगा आपके पास माइनस सिक्स। यहाँ आ जाएगा थ्री एंड माइनस 61, यहाँ आ जाएगा थ्री, यहाँ आ जाएगा टू, माइनस फाइव एंड थ्री। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x अपॉन माइनस फाइव से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 305। एंड यहाँ पर मेरी पास जो वैल्यू आएगी, ये थ्री मल्टीप्लाई माइनस सिक्स इज़ माइनस 18 और माइनस साइन पहले जो होता है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 18। वाई अपॉन माइनस सिक्स मल्टीप्लाई टू माइनस 12 एंड माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव हो जाएगा 61 मल्टीप्लाई हो जाएगा 183 एंड ये वन अपॉन मेरे पास आ जाएगा 9 प्लस 10। ओके, अब यहाँ पर ये वैल्यू जो मेरे पास आएगी x अपॉन इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 323 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू मेरे पास आएगी 171 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 19। इसको वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इससे इसको कंपेयर करिए, इसको इससे कंपेयर करिए। तो कंपेयर करने के लिए x अपॉन 323 इक्वल टू 1 अपॉन 19, यहाँ पर आ जाएगा y अपॉन 171 इक्वल टू 1 अपॉन 19। तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 19x इक्वल टू 323 एंड यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 323 अपॉन 19 और इसकी जो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स वो आती है इसको डिवाइड करके 17 इसका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स हमारे पास जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो आ गई है 17 आ गई है। इस तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 171 अपॉन 19 देन y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर 9। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.5 भी आज कंप्लीट हो गई है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 को करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।